आई एम साजिदा रशीद, आई एम फिल्सोलॉजी बायोलॉजी लेक्चरर, हेरिटेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उगाड़ा. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बायोलॉजी पेपर पैटर्न. आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट लेक्चर में वो है बायोलॉजी बोर्ड पेपर पैटर्न. सबसे पहले बायोलॉजी के पेपर पैटर्न में टोटल 85 मार्क्स होते हैं. बायोलॉजी पेपर पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 85 मार्क्स. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 17 मार्क्स. एवरी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ 4 ऑप्शन. कोई से चार ऑप्शन में से आपने एनी वन अप्रोप्रिएट आंसर जो है उसको सर्कल करना होता है. और आपका जो फर्स्ट पोर्शन है ये आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है और इसमें आपके पास 17 मार्क्स होते हैं. आफ्टर सॉल्विंग दिस पोर्शन यू हैव टू गो नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज सब्जेक्टिव पोर्शन. सब्जेक्टिव पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 68 मार्क्स. सब्जेक्टिव पोर्शन में आपके पास 68 मार्क्स होते हैं और ये दो पोर्शन पर कंसिस्ट होता है, सेक्शन नंबर वन एंड सेक्शन नंबर टू. सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर वन की. सेक्शन नंबर वन में आपके पास 3 पोर्शन होते हैं. सबसे पहले पोर्शन नंबर वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में से सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं. वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं. 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और एवरी शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर टू में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं. 12 में से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और एवरी शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं. लेंथ इसकी आपके पास 2.5 लाइंस होनी चाहिए. अगर तो आपसे जस्ट इंट्रोडक्शन पूछा गया है तो आपने उसका इंट्रोडक्शन 2.5 लाइंस में लिखना है. और अगर आप उसके साथ एग्जांपल दे देंगे तो इट विल बी वेल एंड गुड. और इसी तरह आपने एवरी शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ 2.5 लाइंस रखनी है. मैक्सिमम 3 लाइंस कर लें और एवरी शॉर्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 2 मार्क्स होते हैं. और सिमिलरली आउट ऑफ 12 यू हैव टू अटेम 8 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं आपके पास 16. As you have solved this portion, that is question number 2, you have to go next portion, that is question number 3. Similarly, question number 2 की तरह question number 3 में भी आपके पास 12 short question होते हैं. 12 short question में से कोई से 8 आपने short question attempt करने होते हैं. और similarly, question number 2 की तरह इधर भी आपके पास question number 3 में 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं. ये भी आपने बिल्कुल उसी तरह 2.5 लाइंस या मैक्सिमम 3 लाइंस में उसको आपने सॉल्व करना है. और साथ में अगर इंट्रोडक्शन के साथ एग्जांपल पूछी गई है तो आप उसकी एग्जांपल भी मेंशन करेंगे. आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं. 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. 9 में से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. ये भी बिल्कुल प्रीवियस पोर्शन की तरह आपने 2.5 लाइन में इसको सॉल्व करना है और इसके टोटल मार्क्स आपके पास 12 मार्क्स होते हैं. दिस पोर्शन सेक्शन नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ 44 मार्क्स. आपके पास ये टोटल मार्क्स हो गए 44. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस पोर्शन यू हैव टू अटेम्प्ट सेक्शन नंबर 2. जैसे ही आप सेक्शन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लेते हैं, 44 मार्क्स का आपने पेपर सॉल्व कर लिया. इसके बाद आपने सब्जेक्टिव पोर्शन अटेम्प्ट करना होता है. दिस इज सेक्शन नंबर 2. सब्जेक्टिव पोर्शन में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपको 5 दिए जाते हैं. 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और एवरी लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल मार्क्स 8 होते हैं और एवरी लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पोर्शन होते हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट. पार्ट ए के भी मार्क्स 4 होते हैं एंड सिमिलरली पार्ट बी आल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स 8 मार्क्स. 1 लॉन्ग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 8 मार्क्स एंड
थ्री लॉन्ग क्वेश्चन कलेक्टिवली कंसिस्ट ऑफ 24 मार्क्स। अब बात हम करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन में कौन से डायग्राम्स आपने ड्रॉ करनी है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स यू हैव टू अटेम्प्ट पेपर लॉन्ग क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अगर 4 मार्क्स का आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है तो आपने उसके अकॉर्डिंग 1.5 शीट फिल करनी है, उसकी डायग्राम आपने ड्रा करनी है, डायग्राम को आपने लेबल करना है, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, आपने उसमें से टाइप्स पूछी गई हैं तो आप उसकी टाइप्स बताएं, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करें, उसमें कटिंग नहीं करें, तो सिमिलरली आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेक्शन नंबर 2 था दैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 में से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और एवरी लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पोर्शन होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स, सिमिलरली पार्ट 2 आल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स। टोटल आपके पास कितने मार्क्स हुए, 24 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 17 मार्क्स, सब्जेक्टिव पोर्शन सेक्शन नंबर 1 टोटल 44 मार्क्स, सेक्शन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 24 मार्क्स एंड ओवरऑल कलेक्टिवली आपके पास मार्क्स हुए 17 ऑब्जेक्टिव पोर्शन के एंड सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 कलेक्टिवली 24 एंड 44 मार्क्स 68, 17 एंड 68 टोटल 85 मार्क्स। तो आपका जो बायोलॉजी का पेपर होता है वो 85 मार्क्स पर मुश्तमल होता है, 85 मार्क्स का आपको बोर्ड का पेपर दिया जाता है, आपने उसको अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू मार्क्स अटेम्प्ट करना होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको 17 मार्क्स दिए जाते हैं, 17 मार्क्स में आपने वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करना है, उसको आपने सर्कल कर देना है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, मोस्ट रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन में से आपने उस ऑप्शन पे सर्कल करना है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। आपको जो ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट दी गई है आपने उस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब उन 4 ऑप्शन में से आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, उस ऑप्शन के अराउंड आपने सर्कल मार्क करना होता है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट बेस्ट आपको लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने के बाद आपको सब्जेक्टिव पोर्शन दिया जाता है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमल होता है और इसकी 2 डिवीजन है। सबसे पहली डिवीजन में हमारे पास सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, 12 में से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और उसके टोटल मार्क्स आपके पास 16 होते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 के में भी आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 12 में से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसी तरह इसके मार्क्स भी टोटल कितने हुए, 16 मार्क्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पोर्शन है उसमें आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 9 में से एनी 6, 9 में से कोई से 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स। फर्स्ट डिवीजन कंसिस्ट कलेक्टिवली 44 मार्क्स। आफ्टर दैट यू हैव टू अटेम्प्ट सेक्शन नंबर 2, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे ही आपने फर्स्ट सेक्शन सॉल्व कर लिया है उसको सॉल्व करने के बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन आपने इस बात को मद्देनजर रखना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, आपने उसके दोनों पार्ट्स करने हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट करें उसका ए पार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट करें उसका बी पार्ट, तो इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको उसके दोनों पार्ट्स ही आते हों, ए पार्ट भी एंड बी पार्ट भी। ए पार्ट में आपके पास जो मार्क्स होते हैं 4 मार्क्स, सिमिलरली बी पार्ट के भी 4 मार्क्स होते हैं, तो आपने वो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसके दोनों पार्ट्स आपको आते हों। 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से एवरी लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स होते हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चन के कलेक्टिवली 24 मार्क्स। इसी तरह आपका बायोलॉजी का पेपर पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 85 मार्क्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक था
लेक्चर नंबर फर्स्ट. लेक्चर नंबर वन में हमने डिस्कस करना था बायोलॉजी पेपर पैटर्न. आफ्टर एक्सप्लेनिंग पोर्शन, ऑब्जेक्टिव पोर्शन, सब्जेक्टिव पोर्शन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन, यू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न ऑफ बायोलॉजी, कि आपने बायोलॉजी का पेपर कैसे सॉल्व करना होता है, टोटल उसमें कितने मार्क्स होते हैं और उसके कितने पोर्शन होते हैं. आई होप सो कि आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे, आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर में चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ इंजाइम, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजाइम. थैंक यू.